guys, hi, welcome back to my channel. This is me Shiny and welcome back to yet another vlog. आज का vlog बहुत ज़्यादा special है क्योंकि आज मेरे पापा का birthday है, मेरे अब्बी का birthday है और आज का vlog मैं बना रही हूँ सुबह से ही because I thought let me capture the moments of this very special day. और हम लोग अगर किसी का घर में birthday होता है ना तो उसके लिए हम लोग कुछ special खाना भी बनाते हैं Bengali style, तो वही मैं share करूँगी. ये proper Bengali स्टाइल फॉलो हम कर पाते हैं कि नहीं वो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करते हैं कुछ स्पेशल करने की, तो वही मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. व्लॉग पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो गाइज, यू ऑल कैन सी आई हैव अप्लाइड मेहंदी. और मेरा घर पर ऐसे ही जब मूड होता है तब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन मैं उसे रखती नहीं हूँ. ये वाला जो पोर्शन जो डार्क हुआ है, क्योंकि मैं जब लगा रही थी ना तो ये ऑलरेडी सूख गया था लगाते लगाते, और जब मैंने यहाँ पर एंड किया तब तुरंत मैंने इसे धो दिया क्योंकि मुझे ऐसा कलर वलर नहीं चाहिए था. मैं ऐसे ही फॉर फन में अप्लाई कर रही थी, तो इसी वजह से ये दो फिंगर्स लाइटर कलर में है और ये डार्कर कलर में. बट ये भी कल डार्क हो जाएगा क्योंकि इवेंचुअली जितना टाइम बढ़ता है उतना मेहंदी का कलर डार्क होता है फॉर द फर्स्ट टू डेज. तो मैंने एकदम अच्छे से हेयर को टाई कर लिया है क्योंकि किचन में खाना बनाना है, इसी वजह से हेयर को हमेशा टाई रखना ज़रूरी है. जब तक मैं उठ चुकी थी ना तब तक मम्मी ने कितना कुछ कर लिया, इतने सारे प्रिपरेशंस कर लिए. मुझे खीर मतलब पायस बनाना था लेकिन वो भी मम्मी ने खुद बना लिया क्योंकि मैंने उठने में लेट कर दी इसीलिए. उसके बाद जो कुछ प्रिपरेशंस है वो भी मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है. सो अभी मैं जाऊंगी और देखूंगी क्या क्या लेफ्ट है, तो मैं उसमें थोड़ा हेल्प कर दूंगी. एक्चुअली ना मैं पहले चौकोस खाती थी, लेकिन फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पर वो लिखा था कि ऑन अ डेली बेसिस वो उतना हेल्दी नहीं होता. फिर मैंने जो नॉर्मल ओरिजिनल वाला कॉर्नफ्लेक्स आता है कोई फ्लेवर नहीं तो वो वाला परचेज किया, एंड उसके साथ कुछ मैंने ये चौकोस मून्स एंड स्टार्स वाला मैं लेती थी तो वो भी मैंने ऐड करा था. तो वो मिक्स करके मैं खाती हूँ, जैसे कि इसमें एक दो चॉकोस का आ गया और बेसिकली इसमें ज़्यादा अमाउंट में वो ओरिजिनल वाला कॉर्नफ्लेक्स होता है. सो ये थोड़ा हेल्दी भी और चॉकलेटी भी हो जाता है, तो इसी वजह से मैं मिक्स मैच करके ये सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स, मैं हमेशा कॉर्नफ्लेक्स ही लेती हूँ दूध के साथ. सो गाइज, एज यू ऑल नो टुडे इज माई फादर्स बर्थडे, तो इसी वजह से घर में कुछ क्लीनिंग वगैरह करनी है मुझे. और घर जब साफ रहता है ना तो एक फेस्टिव माहौल, एक हैप्पी हैप्पी सा एटमोसफियर हो जाता है. मैं वॉशिंग मशीन में कुछ क्लोथ्स को पहले मैं वॉश करूंगी एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग प्योर कल्ट फैब्रिक कंडीशनर. आई एम ऑब्सेस्ड विद फैब्रिक कंडीशनर्स दीज डेज, एंड प्योर कल्ट के प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना होता है. दीज आर इको फ्रेंडली होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये किड्स एंड पेट्स फ्रेंडली है. इस फैब्रिक कंडीशनर में जिरेनियम एंड लैवेंडर है विच स्मेल्स सो अमेजिंग, और क्लोथ्स जब इससे वॉश होते हैं ना तो इतना ज्यादा अच्छा स्मेल करते हैं. सो दीज डेज आई एम ऑब्सेस्ड यूजिंग दिस फैब्रिक कंडीशनर. Also, the bottles are 50% PCR, मतलब post consumer recycled. Washing machine में तो मैंने जो colored कपड़े हैं ना उनको धुलने के लिए डाल दिया है. अब कुछ whites हैं मेरे पास जिनको मैं हाथ से ही wash कर लूँगी, because हाथ से wash में करती हूँ क्योंकि ये जो pure cult का मैं laundry detergent इस्तेमाल करती हूँ ना, ये इतने easy तरीके से जो भी stains है सब remove कर देता है. That's why कुछ effort डालना ही नहीं पड़ता. इनमें जेरानियम एंड लैवेंडर एसेंशियल ऑयल्स है जो क्लोथ्स में नेचुरल फ्रेग्रेंस ऐड करता है. ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट डिफरेंट फैब्रिक्स और डिफरेंट कलर के क्लोथ्स को वॉश करने के लिए सूटेबल है. ये बनाया गया है नेचुरल इंग्रेडिएंट से, इसीलिए आप इसे बच्चों के कपड़े को वॉश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. प्योर कल्ट के प्रोडक्ट्स में जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं सारे बायोडिग्रेडेबल हैं एंड आर नॉन टॉक्सिक टू द एनवायरनमेंट. अब
ना मैं टैप्स एंड शावर सब क्लीन करूँगी क्योंकि वो जब गंदे रहते हैं ना वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले हम लोग एसिड इस्तेमाल करते थे विच इज़ सो मच हार्श। एसिड आप लोगों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि एसिड इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो फिर हम लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया ये प्योर कल्ट का टैप एंड शावर क्लीनर जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने के साथ साथ बिल्कुल भी आपके स्किन के लिए या फिर बिल्कुल भी हार्श या हार्मफुल नहीं है। ये वाटर ड्रॉप मार्क्स, स्केल्स, सोप स्कम एंड ग्रिम, सॉल्ट्स एंड मिनरल डिपॉजिट्स को अच्छी तरीके से रिमूव करता है एंड इसे आप थोड़ा सा स्क्रब करके साफ़ करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से साफ़ होगा। एंड इनका जो बी अ ज़ीरो हीरो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है विच मीन्स ज़ीरो सल्फेट, ज़ीरो पैराबेंस, ज़ीरो आर्टिफिशियल कलर एंड ज़ीरो ब्लीच। ये है हमारे टेरेस गार्डन का साग। पापा ने बनाया है हमारे छत पे एक गार्डन टाइप जहाँ पर बहुत सारे सब्जी वगैरह सब कुछ वो लगाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे व्लॉग में उसका एक क्लिप भी शेयर करूँगी। तो अभी मैं चॉपर में इन साग को डाल रही हूँ और फिर मैं चॉप करूँगी इसे। और लगभग मम्मी ने सब कुछ तैयार कर ही लिया है, बस मुझे चिकन बनाना है और इसे चॉप करना है और फिर इसको बनाना है। लुक एट माई आईज गाइज, अभी मैं प्याज काट रही थी एंड आईज आई डोंट नो, लेकिन मुझे अनियंस जो है वो बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरे आईज इतने ज़्यादा सेंसिटिव है ना, एक दो अनियन में ही इतना रेड हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। और अभी तो ना फूल भी गए हैं इस साइड, आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाला पोर्शन। आईज मेरी इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि अनियंस तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। फिर अगर कहीं पर स्मोक वगैरह होता है तो थोड़े टाइम में ही इतना ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और अभी इतना जलन हो रहा है ना, गाइस ये हमारी नेबर की बेटी है एंड शी इज़ सो क्यूट। ये कभी कभार हमारे घर आती है और ये बहुत छोटी है, अभी 6 मंथ्स भी नहीं हुआ है। शी इज़ सो स्मॉल एंड वेरी क्यूट। जा पुल्ला आ छोरा, वाह छोरा, आ छोरा, वाह छोरा, पुल 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 पुल्ला। खूब आची बच्चा, खुन খুব মজি পাচ্ছে, খুব মজা লাগছে না? ছাড়ালে বিছানাটা নরম ছক তো। কেমন লাগছে বলো? ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে। কিন্তু ভাবতেই পারছি না কোনটা খাবো বলবে। শাক খাও। मैंने नहा लिया है, लंच भी कर लिया है एंड लंच में आप लोगों ने देखा काफी कुछ था आज। तो ये एक स्पेशल तरीका है हम लोगों का जो बर्थडे बॉय या गर्ल है उनको स्पेशल फील कराने के लिए। एंड अगर मम्मी पापा हमारे लिए कर सकते हैं तो हम भी उनके लिए कर सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। तो इसी वजह से मम्मी ने ही मोस्टली किया, मैंने बस चिकन बनाया है और जो साग था ना वो मैंने बनाया है बस। सो अभी लेट्स सी, शाम को केक कटिंग वगैरह कुछ तो प्लान है लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो मैं सब कुछ जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
ये इवनिंग के वक्त मैंने मिनिमल डेकोरेशन की है। ये हैप्पी बर्थडे वाला मेरे पास था मेरे बर्थडे का, तो वही मैंने यहाँ पर चिपकाया है। एंड ये फ्रूट केक है, इस बार क्रीम केक नहीं है क्योंकि क्रिसमस का टाइम है ना, तो हर जगह पर ये केक अवेलेबल था। और क्रीम केक नहीं भी खाना चाहिए, मेरे पापा को डायबिटीज़ है, तो इस बार ये फ्रूट केक है। Happy birthday.